नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। जिला पुलिस की विशेष टीम ने अपहरण कर लिए गए डॉक्टर के पुत्र को 15 घंटे में ही भोजपुर जिले से सकुशल किया बरामद। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित उद्योग मेला का उद्घाटन मंत्री समीर महासेठ ने किया। और एलएस कॉलेज में आयोजित विजन बिहार कार्यक्रम में शामिल हुए सांसद राजीव प्रताप रूडी। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस ने महज 15 घंटे के अंदर अपहरण किए गए डॉक्टर के पुत्र को भोजपुर जिले से बरामद किया। जिला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। महज 15 घंटे में कांटी के डॉक्टर के अपहरण किए गए पुत्र को भोजपुर जिले के रतनार गाँव से सकुशल बरामद कर लिया। इसके अलावा पुलिस ने 3 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह के इकलौते पुत्र विवेक कुमार का कांटी बाजार से अपहरण कर लिया गया था और इसके एवज में डॉक्टर से 30 लाख की फिरौती भी मांगी गई थी। इसकी बरामदगी को लेकर एसएसपी ने विशेष टीम का गठन किया था और महज 15 घंटे के अंदर विशेष टीम ने डॉक्टर के पुत्र को सकुशल बरामद कर लिया। इसके साथ पुलिस ने अपराधियों के पास से 1 स्कॉर्पियो और 3 मोबाइल को भी बरामद किया है। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि अपहरण की सूचना मिली थी, उसी पर एक टीम का गठन किया गया था और सफलता मिली। कल दिनांक 17 मार्च को कांटी थाना अंतर्गत शाम को 4:15 एक अपहरण की घटना प्रकाश में आई थी। वहां के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, डॉक्टर एसपी सिन्हा, उनके एक बेटे हैं 26 वर्ष जिनकी आयु है, उनका नाम विवेक कुमार है। उनको अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा एक व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो है जिसमें जबरदस्ती अपहरण करके ले जाया गया। क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील था, इसलिए जो पश्चिमी डीएसपी हैं अभिषेक आनंद, उनके नेतृत्व में इसमें एक टीम गठित की गई थी। इस टीम में कांटी के थाना अध्यक्ष संजय कुमार भी थे और पीआईयू के जो हमारे प्रभारी हैं सुजाउद्दीन और उनकी पूरी टीम थी। और मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम लगातार रात भर सक्रिय रही। शुरुआत के 8 घंटों में ही हम लोगों को लीड्स मिलने प्रारंभ हो गए। लोकल मार्केट में जो डिफरेंट जगह पे दुकानों में सीसीटीवी फुटेज थे उनको देखा गया। टेक्निकल सर्विलांस पर भी हम लोगों ने काम किया। रास्ते में जो भी टोल प्लाजा पड़ते हैं उनके भी फुटेज को चेक किया गया और इस आधार पर हम लोगों की टीम रात में 12 बजे के लगभग में भोजपुर पहुंच गई। भोजपुर में शुरुआत में हम लोगों ने गाड़ी चिन्हित की थी, उस गाड़ी के ओनर को डिटेन किया। ओनर से हम लोग फिर चालक के पास में गए, जो चालक थे उनको डिटेन किया और चालक के माध्यम से फिर हम लोग को धीमे धीमे लीड मिलती गई और सुबह 10 बजे जिनका अपहरण हुआ था विवेक कुमार, उनको सकुशल बरामद किया गया और घटना में जो भी अन्य शामिल 4 लोग थे उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। घटना में जो स्कॉर्पियो प्रयोग हुई थी उसकी भी बरामदगी कर ली गई है। इस पूरे घटनाक्रम में अभी 1 व्यक्ति फरार है जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। इस घटना का मुख्य उद्देश्य फिरौती मांगना था। कल 4 बजे अपहरण होने के उपरांत लगभग शाम को 6:30 बजे डॉक्टर साहब को फिरौती के लिए कॉल भी आया था जिसमें अपहरणकर्ताओं के द्वारा 30 लाख रुपए की मांग की गई थी। लेकिन पुलिस की पूरी मुस्तैदी और जो अपहृत हैं उनके परिजनों के सहयोग के माध्यम से बच्चे की सकुशल बरामदगी पुलिस के द्वारा 17 घंटे के अंदर कर ली गई। कितने लोगों की गिरफ्तारी है सर? इसमें कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें से कोई इतिहास नहीं, हम लोग पता कर रहे हैं क्योंकि चारों जो लोग अरेस्ट हुए हैं वो डिफरेंट जिलों के हैं, अरवल के हैं, भोजपुर के हैं, वहाँ से हमने संपर्क स्थापित किया है। जैसे ही आपराधिक विकास आएगा आपने अपहरण की वजह क्या थी सर? अथवा गाड़ी ओनर की भी गिरफ्तारी है? नहीं, गाड़ी ओनर की गिरफ्तारी नहीं है क्योंकि वो मामला ऐसा प्रकाश में नहीं आया। उनका दोष इतना ही था कि गाड़ी उनके नाम से है और उन्होंने एक व्यक्ति है जिनको गाड़ी चलाने पर किराए पर दी हुई है जो चालक है, क्योंकि चालक स्वयं यहाँ आए थे जिनका नाम राधे श्याम है, उनकी गिरफ्तारी की। सर रैंडम घटना थी या पहले से प्लानिंग की जा रही थी अपहरण की? नहीं, घटना का पहले से ही प्लान थी। घटना इस घटना पर लगभग 1 महीने पहले से ही काम चल रहा था। इन डॉक्टर साहब के यहाँ एक किराए पर रहते हैं जिनका नाम रवि उत्पादित था जो एनटीपीसी में एम्प्लॉई है और पिछले 5 वर्ष से डॉक्टर साहब के यहाँ पे किराए पर रह रहे थे। उनको और उनके जो मित्र हैं सत्यम, इनके द्वारा मिलकर इस घटना को प्लान किया गया। 2 या 3 बार सत्यम जो भोजपुर का रहने वाला है यहाँ रैकी करने भी आया था और कल इस घटना को अंजाम दिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित 3 दिवसीय उद्योग मेला का शुभारंभ मंत्री समीर सेठ ने दीप प्रज्वलित कर किया। उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद की तरफ से आयोजित नॉर्थ बिहार ट्रेड फेयर का उद्घाटन शनिवार को बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मेले में जिले के छोटे उद्यमियों ने भी अपने प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी लगाई। नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जिले में उत्पादित प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार के लिए फेयर मेला का आयोजन किया गया। इस मेले के जरिए
छोटे उद्यमियों को भी अपना प्रोजेक्ट बेचने के लिए बाजार मुहैया कराया जाएगा। इसमें जिले के उत्पादित केक, सत्तू, जंक फूड आदि का स्टॉल लगाया गया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि बिहार सरकार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हर संभव काम कर रही है। वहीं उन्होंने कृषि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बिहार सरकार कृषि रोड मैप पर काम कर रही है। इस काम के लिए 12 डिपार्टमेंट को लगाया गया है। उनके सर्वे के बाद कृषि से संबंधित जो भी समस्या होगी उसका हल किया जाएगा। यह मेला 3 दिनों तक चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चलेगा। देखा जाए, हमने कहा कि पूरे देश में आप जानते होंगे ICR एक बहुत बड़ा जो हम लोग के बीच का है, उसमें मंगला साह महानिदेशक थे, उन्हीं को राज्य मंत्री का, कैबिनेट का मंत्री का दर्जा दे करके बिहार में कृषि रोड मैप 4 बनाने का प्रयास हुआ है और विगत लगातार 2 महीने से ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 12 डिपार्टमेंट को क्लब करके ये बनाया जा रहा है ताकि समेकित पूरे बिहार का एक ग्रास रूट से कैसे हम डेवलप कर सकें, जहां बिजली नहीं है खेत को बिजली मिले, जहां पानी नहीं है पानी मिले, जहां खाद की समस्या है खाद का हो, कहीं वाटर लॉगिंग है वाटर लॉगिंग का हो, पर्यावरण के हिसाब से है उसके हिसाब से है, उद्योग धंधा में कहीं पर पॉल्यूट हो रहा है उसके हिसाब से है, मतलब 12 डिपार्टमेंट को क्लब करके पहली बार इस ढंग से प्लान हुई है। और एक्सक्यूशन पर है हर एक डिपार्टमेंट को एडिशनल पैसा दे करके उस ढंग से उस एरिया को डेवलप किया जाएगा ताकि 3 वर्षों के अंदर धरातल से सीधे आगे बढ़ करके, अगर हम उद्योग क्षेत्र की बात करें पूरे देश में अगर हमारा चाय का है तो हो सकता है। गोला रोड स्थित JC टावर में बंधन बैंक के दूसरे ब्रांच का भव्य शुभारंभ किया गया। गोला रोड स्थित JC टावर में बंधन बैंक का शुभ आरंभ नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने फीता काट कर किया। दरअसल बंधन बैंक पूरी तरह से अत्याधुनिक बैंक है। गोला रोड में खुलने से यहाँ के आसपास के व्यवसायियों को काफी लाभ पहुँचेगा। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि इस इलाके में बैंक की कमी थी और बंधन बैंक के खुलने से व्यापारियों को काफी लाभ मिलेगा। खुली है, इसके लिए सबसे पहले हम बैंक के प्रबंधक महोदय, इनके जो काम साथी है, कर्मचारी है, निदेशक है, सब लोग को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। मुजफ्फरपुर में इस इलाके में बैंक की कमी थी, इनके होने से निश्चित तौर पर मुजफ्फरपुर का आर्थिक गतिविधि बढ़ेगा और हमारी पूरी शुभकामना है कि आने वाले दिनों में ये बैंक मुजफ्फरपुर का सबसे बंधन बैंक के दूसरी शाखा का इनॉग्रेशन गोला रोड ब्रांच का हुआ है। इसमें सारे स्टाफ ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, शहर के नामी गिरामी लोग आए और हमें हमारा उत्साह बढ़ा करके काफ़ी उत्साहित किया है। और यहाँ पे ब्रांच खुलने से, ये पहला ब्रांच है, ये पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक का ब्रांच है जो कि हम लोगों ने गोला रोड में डाला है। इसके बाद जो आएंगे वो बाद में आएंगे। और जो बिजनेस मॉडल है, जो यहाँ पे गोला रोड के छोटे व्यवसायी से लेकर बड़े व्यवसायी हर एक किसी के लिए हमारे पास करेंट अकाउंट से लेकर के लोन, जो टर्म लोन होते हैं जो 5 लाख रुपए से लेकर के 25 लाख रुपए तक बिना किसी जमा पूंजी के, मतलब बिना किसी कोलेटरल के हम उसको लोन मुआयना कराते हैं, और जो बड़े लोन हैं जो कि करोड़ से अबव उसको भी हम यहाँ पे देंगे, उसकी सुविधा होगी। कैश डिपॉजिट और CMS की फैसिलिटीज भी हम देंगे यहाँ पे। और जो डिपॉजिट करने वाले कस्टमर्स हैं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेषकर एक उपहार समझिए कि जो कि पंचवर्षीय योजना होता है उसमें सरकारी योजना में 5 साल के लिए सीनियर सिटीजन FD की का जो प्रोविजन है उसमें 8% का ब्याज चल रहा है, हम उससे बढ़ करके 600 दिन में मात्र 8.5% का ब्याज दे रहे हैं, जो कि एक वरिष्ठ नागरिक के लिए उपहार है, वो दे सकते हैं। और भी हमारी छोटी शाखाएं मुजफ्फरपुर में 10 अलग शाखाएं कार्यरत हैं जो कि समाज सेवा का ही काम करती है। जो भी गरीब महिलाएं हैं जिनको कोई पैसा नहीं देता या ऊंचे ब्याज दर पे गिरवी रख के पैसा लेता है, उनको परेशान करता है, उन महिलाओं के लिए हमारे माइक्रो फाइनेंस के सेंटर्स हैं, सैफुद्दीनपुर, आमगोला, कर्जा और शहर के अन्य क्षेत्र BMP 6 वगैरह में काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं, मेडिकल में भी है, वहाँ पे भी है, छपाहा में है। तो उनका भी जो है वो समझिए कि आर्थिक उन्नति होगा और वो भी समाज के एक अच्छे व्यक्ति निखर के आएंगे नहीं, आ भी रहे हैं, क्योंकि उनके भी लोन का साइज जो है वो हमारा दिन पर दिन आकार लेता जा रहा है और ये बड़ा ही होता जा रहा है।
यह क्षेत्र व्यवसायियों का क्षेत्र है और इस बीच में पहला प्राइवेट सेक्टर का ब्रांच का ओपनिंग हुआ है। यह व्यवसायियों को काफ़ी अच्छा सुविधा मुहैया कराएगी, यही हम उम्मीद करते हैं। समरणालय परिसर में 74 आंदोलन के जेपी सेनानियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। 74 आंदोलन के जेपी सेनानियों को प्रशस्ति पत्र निर्गत करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर शनिवार को जेपी सेनानी पेंशनर समाज ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। उनका कहना है कि 74 आंदोलन में शामिल बहुत सारे ऐसे जेपी सेनानी हैं जिन्हें प्रशस्ति पत्र निर्गत नहीं किया गया है, साथ ही बगैर प्रशस्ति पत्र के बहुत सारे ऐसे जेपी सेनानियों की मृत्यु हो गई है। सरकार अविलंब प्रशस्ति पत्र जारी करे। वहीं शहरवासी भी कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। शहर के कई सड़के नाले खराब हैं। शहर में जाम लगती है, इसकी भी व्यवस्था नहीं हुई है। हम लोगों की मांग है कि सरकार हमारी मांगों पर विचार करे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। आज 1974 आंदोलन वर्षगांठ 18 मार्च है। 18 मार्च को हम लोग 74 आंदोलन वर्षगांठ मना रहे हैं और इस अवसर पर कलेक्टर के सामने धरना स्थल पर हम लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। कलेक्टर साहब का आदमी आएगा, वो हम लोगों से वार्ता करेंगे और कुछ मांग पत्र भी देंगे। भवन घोटाला, प्रशस्ति पत्र नहीं मिलता है, रोड नाला नहीं है, सड़क लोग नहीं देते हैं लेकिन कूड़ा और नल का पैसा लेते हैं नगर निगम वाले। कितने सूत्री मांगों के लेकर आप धरना दे रहे हैं? हम लोग 4-5 सूत्री मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। मुख्य मांग क्या क्या है? प्रथम मांग है प्रशस्ति पत्र देना। बिहार में जितने भी वो जेपी सेनानी लोग प्रशस्ति पत्र के लिए आवेदन दिए हुए हैं, केवल सरकार आवेदन लेती है, बात करती है, वोट चलता है, किरानी लिखा पड़ी करते हैं, लेकिन प्रशस्ति पत्र आज तक। नकली पूजा सामग्री बेचने के विरोध में अखंड भारत पुरोहित महासभा के सदस्यों ने बैठक की। पूजन सामग्री में इस्तेमाल होने वाली नकली सामान के विरोध में अखंड भारत पुरोहित महासभा ने शनिवार को साहू पोखर स्थित श्री राम जानकी मंदिर परिसर में बैठक की। इस बैठक की अध्यक्षता आचार्य सुनील कुमार मिश्र ने किया। इसमें पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली नकली सामग्री का बलिष्कार किया गया। इस अवसर पर पंडित हरिशंकर पाठक ने कहा कि हम लोगों के समाज में बहुत से ऐसे पूजन सामग्री है जो कि नकली है और लोग जानकारी के अभाव में पूजा पाठ में प्रयोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बैनर पर अगरबत्ती का विरोध जागरूकता अभियान हम लोग चला रहे हैं। केवल अगरबत्ती ही नहीं, पूजन सामग्री में आज के समय में बहुत सारी चीज जो है नकली है। बहुत सारा चीज नकली मार्केट में आ गया है जो कि लोग पूजा पाठ में लोग शामिल करते हैं। जैसे तिल का तेल आज के डेट में मार्केट में 120 रुपए से लेके 165 रुपए लीटर में बिक रहा है, जो कि तिल का दाम 300 रुपए किलो है। 300 रुपए जब किलो तिल हो सकता है, 3.5 किलो तिल को पिरवाने के बाद जो है 1 लीटर तेल प्राप्त होता है, जो कि तिल का कीमत होता है कितना 3.5 किलो का, मोटा मोटी 750 रुपए। 750 में हमें 1 लीटर शुद्ध तेल प्राप्त होता है जो कि मार्केट में 120, 150 या 160 रुपए में प्राप्त हो रहा है, तो वह कहाँ से सही होगा? वह नकली है। और नकली चीज को घर में जलाने से हमारे क्या देवता प्रसन्न होंगे? कभी नहीं हो सकते हैं, वह रुष्ट हो जाते हैं। और उतना ही नहीं, आजकल बाजार में हम लोग देख रहे हैं घी, बंद डिब्बा घी आता है, उस घी में जो है स्पष्ट लिखा होता है केवल पूजा के प्रयोग के लिए, खाने योग्य नहीं। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं नकली है। वह जब खाने के योग्य नहीं हो सकता है तो पूजन के लिए कैसे योग्य हो सकता है? तो इस चीज पर जो है हम लोग को प्रतिबंध लगाना होगा। हम लोग अपने लिस्ट से इस चीज को वंचित कर रहे हैं, हटा रहे हैं, और कंपनी वालों से भी हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि आप अगरबत्ती का पैकेट बनाते हैं। अगर LS कॉलेज के सभागार में आयोजित विजन बिहार कार्यक्रम में शामिल हुए सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी, दृष्टि विजन बिहार 2025 के मंच से बिहारी आगे तो बिहार पिछड़ा क्यों विषय पर जनमानस को जागृत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि अब तक बिहार को विभाजित कर सत्ता को सींचने का काम चल रहा है। चाहे वह विभाजन राज्य हो, जात हो, धर्म हो या समुदाय का हो, दो भाइयों की जोड़ी ने बिहार को अपनी नीति के आगे बिहार को मजदूरों के निर्यात का हब बना दिया है। उन्होंने कहा कि यह विजन न सिर्फ उनका बल्कि भारत के प्रधानमंत्री का भी है।
कि कैसे देश और राज्यों को विकसित बनाने वाले बिहारी अपने राज्य बिहार को भी विकसित बनाने में सहभागी बनेंगे। मंच से सिनेमा स्लाइड के माध्यम से रूडी ने विभिन्न राज्यों में बिहारियों की परेशानी, नए मुकाम गढ़ने के साथ साथ विकास की तुलनात्मक स्थिति से सदन को अवगत कराते हुए कहा कि बिहार हर क्षेत्र में पिछड़ा है। खासकर औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़े बिहार में ना भवन बनाए जा रहे हैं, ना रोजगार दिए जा रहे हैं और ना शैक्षणिक हालत को बेहतर किया जा रहा है। कि ये मेरा मिशन देश के प्रधानमंत्री का मिशन है और मेरी ये पीड़ा है कि पूरा भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। बिहार का नेतृत्व और यहाँ की सरकार जिस प्रकार से बिहार के बदहाली के लिए जिम्मेवार है, एक बड़ा सवाल है। और इसका परिणाम है कि पिछले 30 वर्षों में 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के चले गए। इस बात की चर्चा हमने देश के प्रधानमंत्री जी के सामने भी की। हमारी चिंता बड़ी है। हमारे इस पूरे अभियान में एक मूल परिवर्तन की आवश्यकता है और ये सिर्फ आज का नहीं, पिछले 70 साल का ये दुर्भाग्य है कि बिहार की स्थिति इतनी बदहाली में है। हम सब लोगों ने संकल्प लिया है, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री का नेतृत्व और दूसरे बिहार में नए राजनीतिक माहौल का स्थापित करने का अभियान, और यही हमारा आज का संकल्प है। मैंने स्पष्ट कर दिया कि ये मंच विभा का है, ये गैर राजनीतिक मंच है और इस विषय पर मैं पिछले कई वर्षों से लोगों के बीच में चर्चा कर रहा हूँ। और अब बिहार के विषय में कि बिहार आखिर पिछड़ा क्यों, जब बिहारी पूरे भारतवर्ष में आगे है तो बिहार पिछड़ा क्यों, इस चर्चा को लेकर के मैं गांव-गांव तक जा रहा हूं। और जो इस सिद्धांत के प्रति लोगों का समर्थन मिल रहा है उससे मेरा हौसला और बुलंद हो रहा है। बिल्कुल मेरा मैं जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं और हमारा नेतृत्व प्रदेश के प्रधानमंत्री जी के पास है और बिहार को संवारने का दायित्व हम सब जैसे कार्यकर्ताओं के ऊपर है। देखिए, सारण जिला में देश का एक अद्भुत मेरा कंट्रोल रूम है जो मेरे जिला के सभी लोग उपयोग करते हैं। आज मैंने मुजफ्फरपुर के लिए 1800-345-6222 उस व्यवस्था को मैंने पूरे मुजफ्फरपुर जिला के लिए लागू कर दिया। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन, दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों के बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नी लाल मेगा मॉल सरैयागंज टावर के समीप अखाड़ा घाट रोड मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपए से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस आप चले जाइए 3000-4000-10000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपए से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा, हमारे यहाँ आपको 40000 तक चले जाएगी। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, AIIMS, NEET, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, AIIMS, NEET, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट।
अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है। जीनियस क्लासेस, तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं। जीनियस क्लासेस में जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरियागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। जीनियस क्लासेस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट आवर वेबसाइट www.geniusclasses.in और ईमेल अस ऑन info@geniusclasses.in। Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है, आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। समरनाले परिसर में लोक चेतना दल के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर दूसरे दिन भी अनशन जारी रखा। डुमरी पोखर से हटाए गए भूमिहीनों को घर देने समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर लोक चेतना दल का दूसरा दिन शनिवार को भी कलेक्ट्रेट में आमरण अनशन जारी रहा। इस दौरान लोक चेतना दल के कार्यकर्ताओं ने सरकार व जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार झा ने कहा कि कुढ़नी और मुशहरी के CO ने मिलकर गरीब भूमिहीनों को बेघर किया है। दोनों CO अवैध वसूली में लगे हुए हैं। सरकार उन पर कार्रवाई करते हुए दोनों CO को बर्खास्त करे। इसके अलावा जो लोग भूमिहीन हैं, उन्हें जमीन मुहैया कराया जाए। साथ ही बिहार में 1 रुपए का छोटा सिक्का नहीं चलता है, इस पर भी सरकार ध्यान दे और 1 रुपए के छोटे सिक्कों को चालू कराए। हम लोगों ने 5 सूत्री मांगों को लेकर अनशन की शुरुआत की है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, हम लोगों का अनशन जारी रहेगा। आज आमरण अनशन का दूसरा दिन है। श्रीमती धनवंती देवी अनशन पर बैठी हुई हैं और ये 5 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, जिसमें डुमरी पोखर एवं गोबरसाही पोखर पर गरीबों को उजाड़ दिया गया है, उनको मुआवजा दिया जाए, उनको पुनर्वास की व्यवस्था दिया जाए, अंचलाधिकारी मुसहरी के विरुद्ध कार्रवाई किया जाए तथा
मोबाइल पर सोशल मीडिया पर जो है अश्लील पोस्ट डाले जा रहे हैं और भ्रामक खबर हेट न्यूज डाले जा रहे हैं जिससे कि देश और समाज को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है तथा एक रुपए के छोटे सिक्के जो बिहार में नहीं चल रहे हैं और जिसके वजह से देश का करोड़ों का क्षति हो रहा है, इन सभी मांगों को लेकर के हमारा अनशन प्रारंभ है। प्रशासन के द्वारा इस अनशन को बाधित करने के ख्याल से यहाँ पर रात्रि के समय में ये रोशनी का व्यवस्था को बाधित कर दिया गया है। यहाँ पर जितना भी धरना अनशन होता था, ये आप बगल में जल मीनार देख रहे हैं, उसी में से जो है बिजली उपलब्ध होता था, लेकिन यहाँ के कर्मचारी ने, तत्कालीन कर्मचारी ने उसको हटा दिया और हमको शंका है कि अनशनकारी के ऊपर इन लोगों को हमला कराने का, इनके नुकसान पहुंचाने का संभावना है। समरनाले परिसर में संत रविदास महासंघ के सदस्यों ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना लागू करने समेत 8 सूत्री मांगों को लेकर शनिवार को संत रविदास महासंघ ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। इस दौरान महासंघ के सदस्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत कुमार ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के साथ सरकार अन्याय कर रही है। केंद्र की ओर से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना बनी है। इसके तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों की ट्यूशन फी भी देनी है, लेकिन इस योजना से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र वंचित है। इसके अलावा सरैया प्रखंड के भूमिहीन को बांस गीत पर्चा अविलंब मुहैया कराया जाए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ बढ़ रहे अपराध पर लगाम लगाया जाए। इसके अलावा हम लोगों की जो भी मांग है उसे सरकार पूरा करे। अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन जारी रखेंगे। केंद्र से पूर्व प्रायोजित जो अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अर्थात उच्च शिक्षा में जो ट्यूशन फीस या अन्य आवश्यक फीस के रूप में छात्रवृत्ति दी जाती थी, उसे वर्तमान राज्य सरकार ने वर्तमान में बंद करने का कार्य किया है, स्थगित कर दिया है, यह कहते हुए कि राशि नहीं है। इसके पूर्व में पिछली बार जब राशि थी तो उसे अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति अर्थात वजीफा के रूप में देने की बजाय उसे अन्य मदों में अर्थात पुल निर्माण में या अन्य भवन निर्माण में उसे ट्रांसफर कर दिया गया। तो आज हम लोग इसीलिए धरना दिए हैं और धरना के माध्यम से खास तौर पे बिहार सरकार को यह बताना चाहते हैं कि आपने जो यह छात्रवृत्ति बंद करके अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को। मिठनपुरा स्थित निजी होटल के सभागार में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन में समाधान उपन्यास का लोकार्पण किया गया। जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में कवि कथाकार देवेंद्र कुमार के उपन्यास समाधान का लोकार्पण मिठनपुरा के एक होटल में करते हुए डॉक्टर रिपु सुदन श्रीवास्तव ने कहा कि इस उपन्यास में समाज की जटिल समस्याओं को समाधान तक पहुंचाने का एक बड़ा ही उद्देश्यपूर्ण प्रयास लेखक ने किया है। बीज वक्तव्य में कवि गीतकार डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि इस उपन्यास का फलक बड़ा है और एक ही साथ कई कथाएं चलती है। समाज की संकीर्णताओं पर उपन्यासकार ने बहुत ही बारीक ढंग से प्रहार किया है। उपन्यास मेरा प्रथम प्रयास है, इसके पहले कहानी संग्रह और संस्मरण लिखता रहा हूँ, यह मेरा 5वीं प्रस्तुति है। ये समाधान भूकंप जो हुआ था 1934 में, तब से लेकर 1947 के बीच में भारत के खासकर उत्तर बिहार और सारण जिले के तरफ जो रीति रिवाज मैंने आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति उसी से संबंधित है और इसमें बहुत अधिक प्रभाव उन लोगों का पड़ा था जो चंपारण नीलहे लोगों का, जो अंग्रेजों का अत्याचार हुआ और राजेंद्र बाबू से बहुत लोग प्रभावित थे। इस कहानी में मूल में एक प्रेम युगल का है जिसमें लड़की मोहम्मदन है और लड़का हिंदू है। अब समझ सकते हैं कि दोनों के
के विवाह में कितनी प्रॉब्लम आ सकती है और कितना समस्या आती रही, जो अंत अंत तक दोनों के पिताजी, दोनों के अभिन्न मित्र थे, गांधीवादी थे, तब भी उसको सुलझा नहीं सके। अंत में इसकी जो महिला पात्र है वही, उसी ने इसका समाधान किया है और इसीलिए इसका नाम समाधान है। उसने अंत में कहा है कि वैसे तो स्त्रियां की आधी दुनिया पूरी दुनिया की धुरी होती है, जीवन को सहेजना, संभालना, पल्लवित पुष्पित कर एक बार फिर कड़ी को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी ईश्वर ने स्त्री को ही प्रदान की है। और उसने बड़े प्रिय देवेंद्र कुमार जी हैं और उनकी पुस्तक है उपन्यास है। आज जो माहौल है उस माहौल में उपन्यास की लोकप्रियता बढ़ रही है, प्रायः लोग उपन्यास लिख रहे हैं और लोगों की रुचि, जो पाठक हैं उनकी रुचि ज़्यादा उपन्यासों में हो रही है। ये पुस्तक मैंने पहले देखी है और अभी जैसा देवेंद्र जी ने बताया कि इसके जो कथानक हैं वो भोजपुरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और मैं भोजपुरी क्षेत्र का आदमी हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि वहाँ जो कलाकार हैं वो कैसे होते हैं, वहाँ किसान कैसे होते हैं, वहाँ की महिलाएं कैसी होती हैं, वहाँ की भाषा क्या है, वहाँ का आचरण क्या है, इन तमाम चीज़ों से मैं। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।